रायपुर में ममेरे फुफेरे भाइयों के बीच हुआ एक छोटा सा विवाद एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। हत्या की बात को छुपाने के लिए आरोपी शव को शमशान घाट में ले जाकर के चिता सजाकर जला रहे थे। आसपास के लोगों को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो एक दिन पहले हुए कत्ल का राज खुल गया। 25 वर्षीय कमलेश साहू छेरी खड़ी में अपने मामा के यहाँ रहता है, उसकी माँ भी वहीं रहती है। मंगलवार रात उसका अपने ममेरे भाई वेद प्रकाश साहू के साथ विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो वेद करण ने नागपुरा निवासी अपने जीजा टीकाराम साहू को भी बुला लिया। दोनों ने मिल करके कमलेश को बुरी तरीके से पीटा, गला दब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामला को छुपाने के लिए दोनों ने शव को कार में छिपा दिया। अगले दिन 10 बजे दोनों कार से शमशान घाट पहुंचे और बोरे में बंधा शव सीधा चीते पर जाकर के रख दिए। बिना परिजनों के बोरे में बंधा शव जलते देखकर आसपास के लोगों को शक हुआ। उन लोगों ने शव जलाने आए दोनों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। उन लोगों से भी दोनों यही बताते रहे कि छत पर से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हुई है। वे अस्पताल से सीधे यहीं आए हैं, इसलिए कोई परिजन साथ नहीं आया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता बुझाकर अधजला शव बाहर निकाला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस बीच शव जला रहे वेद करण और टीकाराम को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में थोड़ी देर तक दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो हत्या का सच उगल दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि कमलेश नशेड़ी था, शराब के नशे में घर में सबके साथ गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। इन्हीं आदतों से तंग आकर के उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर मायके रहने लगी थी। कल भी उसने बिना किसी बात की बात शुरू किया और मार डालने की बात करने लगा। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और अनजाने में इसकी हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।